नमस्कार दोस्तों, ये अपनी ठोस अवस्था पर पांचवी क्लास होगी। पिछली क्लास में अपन ने अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण किया था। अपन ने पहले बात की थी ठोस के बारे में, उसके बाद ठोसों के गुणधर्म, उसके बाद ठोसों का वर्गीकरण। उसमें अपन ने दो आधार लिखे थे, एक तो अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल के आधार पर और दूसरा था कौन सा था, वापिस याद करो। देखे अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। तो अपन आज जो है इस क्लास में अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले अपन जो लास्ट क्लास लाइव आई थी, उस लाइव क्लास के अंदर कुछ कमेंट आए थे जिसको देखकर मुझे अच्छा लगा कि आप लोग जो है वो टॉपिक को पढ़ रहे हो, क्योंकि लास्ट में अपन ने तीन क्वेश्चन लिखे थे। उन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन में कुछ लोगों को डाउट था, उस डाउट को आज अपन क्लियर करेंगे। सर उस क्वेश्चन को स्क्रीन पर लेके आए। हाँ, देवीलाल खिलेरी नाम से एक कमेंट आया था, उसमें यह था कि सर आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताएं। तो पहले तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या था। आप भी देखें दूसरे क्वेश्चन को वापिस जाके वीडियो में कि दूसरा क्वेश्चन क्या था। उसमें लिखा था ठोस ए, ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक है परंतु गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक है। वापिस क्वेश्चन को सुने ध्यान से, क्वेश्चन क्या था, ठोस ए ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक है परंतु गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक या चालक है, यह किस प्रकार का ठोस है। तो बेटा बहुत ही आसान है, अपने टेबल में जाइए, टेबल में देखिए कि अपन ने जो विद्युत चालकता की बात की थी, उस विद्युत चालकता में कौन से ठोस में ऐसा गुण पाया जाता है। जैसे यदि मैं बात करूं आयनिक ठोस की, तो आयनिक ठोस ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक है। क्यों कुचालक है, क्योंकि बेटा उसमें मुक्त आयन उपस्थित नहीं है। अपने बात की थी, जैसे अपने उदाहरण लिया था NaCl का, यदि अपन NaCl की बात करें तो जो ठोस NaCl, कौन सा NaCl है बेटा, ठोस NaCl, तो ये अपन ने बात की थी कि ये कैसा है, कुचालक है। क्यों चालक है, क्यों कुचालक है बेटा, क्योंकि यदि अपन बात करें तो Na प्लस और Cl माइनस स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधित है, और स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधित होने के कारण से इसमें मुक्त आयन उपस्थित नहीं है। लेकिन अपन ने बात की थी बेटा गलित अवस्था की, कौन सी अवस्था की बात की थी बेटा, गलित अवस्था की, किसकी बात करें अपन ने, NaCl की। जब यह गलित में जाएगा तो इसको गर्म करेंगे तो यह टूटेगा किसमें, Na प्लस और Cl माइनस में। क्या इसमें मुक्त आयन उपस्थित है क्या, अरे Na प्लस और Cl माइनस मुक्त आयन उपस्थित है या नहीं है, यदि मुक्त आयन उपस्थित है तो यह विद्युत का क्या हो जाएगा, सुचालक हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों को मिला के कौन सा प्रकार का ठोस है बेटा, आयनिक ठोस है देवीलाल। तो ये आयनिक, ये जो ए ठोस है उसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये कौन सा ठोस होगा, आयनिक ठोस होगा। आई समझ में बात, यदि नहीं समझ में आए तो फिर से आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखे, ठीक है, जो भी आपका डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा। चलो इस क्लास में अपन बात कर रहे हैं ठोसों के वर्गीकरण की बात। तो अपन ने बात की थी ठोसों का वर्गीकरण, तो अपन ने बात की थी ठोसों का वर्गीकरण में दो अपन ने आधार लिए थे। पहला यदि अपन बात करें तो अपन ने बात की थी अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल के आधार पर। तो अपन ने बात की थी कि अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल के आधार पर जो ठोस होते हैं वो चार प्रकार के थे। सबसे पहले आण्विक ठोस, दूसरा आयनिक ठोस, तीसरा धात्विक ठोस और चौथा सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। तो इसका दूसरा आधार कौन सा है बेटा, यदि अपन बात करें तो अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, किस आधार पर करेंगे बेटा, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। यदि अपन बात करें अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, तो आज अपन बात करेंगे कि अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। यदि अपन बात करें अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण की, तो ये दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस,
और दूसरा होता है बेटा एक क्रिस्टलीय ठोस। कितने प्रकार के हो गए बेटा? दो प्रकार के, एक हो गया क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा हो गया एक क्रिस्टलीय ठोस, इसको एमोर्फस ठोस भी बोला जाता है, इसको एमोर्फस ठोस भी बोला जाता है। यदि अपन एमोर्फस की बात करें तो यह एक जर्मन शब्द है और इसकी जो मतलब है वो मतलब होता है व्यवस्था या निश्चित नहीं। अभी अपन बात करेंगे कि कैसी व्यवस्था होती है और कैसी व्यवस्थाएं नहीं होती है। किसकी व्यवस्था की बात कर रहे हैं बेटा? अवयवी कणों की व्यवस्था की। यदि अपन बात करें अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर तो ठोस कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के, एक हो गया क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा हो गया एकिस्लिय ठोस। यदि अपन क्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो पहले मैं एक साधारण सा उदाहरण देना चाहता हूं आपको कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है, किस प्रकार से होगा। जैसे मान लो अपन एक बिल्डिंग लें, यदि अपन एक बिल्डिंग लें तो उस बिल्डिंग के अंदर अपन बात कर सकते हैं कि सबसे नीचे एक रूम होगा। इस रूम पर यदि अपन बात करें तो उसी टाइप का एक दूसरा रूम होगा। यदि अपन बात करें इसके ऊपर तो तीसरा रूम होगा। इसके साइड में यदि अपन बात करें तो अपन बात कर सकते हैं कि साइड में भी इस प्रकार से इसके रूम होंगे। क्या अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होकर निश्चित ज्यामितीय आकृति निर्मित कर रहा है? एक निश्चित व्यवस्था के अंदर व्यवस्थित होकर यह एक निश्चित ज्यामितीय आकृति निर्मित हो रही है। आप देखें ये जो आपकी बिल्डिंग है उस बिल्डिंग को अपन यदि स्कूल बिल्डिंग की बात करें नॉर्मली तो इसी प्रकार से होती है कि एक रूम के पास दूसरा उसी साइज का रूम, उसके पास तीसरा उसी साइज का रूम, उसके ऊपर उसी साइज का रूम, उसके ऊपर और उसी साइज का रूम। यदि एक ही प्रकार के अवयवीकरण एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होकर एक निश्चित ज्यामितीय आकृति का निर्माण करता है तो उस ठोस को अपन बोलते हैं बेटा कौन सा ठोस है? वो क्रिस्टलीय ठोस। तो सर एकिस्लिय ठोस क्या होगा? यदि अपन एकिस्लिय ठोस की बात करें तो अपन बात कर सकते हैं, ये अपने क्रिस्टलीय ठोस की बात हो रही है, यदि अपन एकिस्लिय ठोस की बात करें तो उसमें अवयवी कण निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं होते हैं, एक निश्चित पैटर्न के अंदर, एक निश्चित पैटर्न के अंदर व्यवस्थित नहीं होते हैं। अर्थात अपन कह सकते हैं कि उसमें अवयवी कण है निश्चित ज्यामिति आकृति का निर्माण नहीं करते हैं। यदि अपन एक इसलिए को समझने की कोशिश करें इसी उदाहरण से तो अपना घर ले सकते हैं कि अपने घर के अंदर यदि अपन बात करें तो कहीं बड़ा हॉल है, यदि अपन बात करें किचन है उसकी साइज अलग है, यदि अपन बात करें अपना जो डाइनिंग टेबल वाला हॉल है उसकी साइज अलग है, अपना जो चौक है उसकी साइज अलग है। इसका मतलब अवयवी कण कोई निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं है, और यदि अवयवी कण निश्चित व्यवस्था में उपस्थित नहीं है तो उनका यदि अपन ज्यामिति आकृति की बात करें तो ज्यामिति आकृति निश्चित नहीं होगी। और यदि ज्यामिति आकृति जैसे मैंने लिया एक रूम, यहाँ पे यदि एक रूम बनाए इसके ऊपर अपन ने दूसरा रूम बना दिया, लेकिन इस रूम की यदि अपन साइज की बात करें तो ये जो साइज है वो क्या है बेटा? अलग है। यदि अपन तीसरे रूम की बात करें कि तीसरा रूम, तो तीसरा रूम इधर साइड में बना दें, यदि तीसरा रूम साइड में बनाया तो इसकी यदि अपन बात करें तो इसकी साइज क्या है? और अलग है। तो इसमें अवयवी कण निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं है, और यदि निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं है तो यह ज्यामितीय आकृति का निर्माण निश्चित ज्यामितीय आकृति का निर्माण नहीं करेगा। एक और उदाहरण देता हूं जो अपन बेसिकली देखते हैं घर पे ही, आप सभी जानते हैं गुड़ देखा है आप सभी लोगों ने, चलो गुड़ और एक मिश्री, मिश्री देखी है सभी ने। यदि मिश्री की बात करें तो मिश्री के अंदर आपको अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था, इस प्रकार के अवयवी कण होंगे उसके अंदर जो एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, और निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होंगे तो जो मिश्री है वो किसका उदाहरण है बेटा? क्रिस्टलीय ठोस का। और यदि अपन बात करें गुड़ की तो गुड़ की कोई निश्चित ज्यामिति आकृति नहीं होती। अब कोई पूछेंगे सर ये ज्यामिति आकृति क्या होती है, अपनी ये दिक्कत आ जाती है कि ज्यामिति आकृति क्या होती है। सर अपन ने आकृति की तो पहले ही बात की थी कि ठोसों की आकृति निश्चित होती है, अब आप बोल रहे हो कि एक ही ज्यामिति आकृति निश्चित है और दूसरे की ज्यामिति आकृति निश्चित नहीं है। तो ये ज्यामिति आकृति क्या होती है? ज्यामिति का मतलब जो अपन गणित में आकृतियां पढ़ते हैं, जैसे यदि अपन बात करें तो ये कैसी आकृति है? गोलाकार है। यदि अपन बात करें तो ये कैसे आकृति है? गणीय या घनाभीय है। जैसे यदि अपन बात करें षटकोणीय हो गई, जैसे यदि अपन बात करें अष्टफलकीय हो गई, जैसे यदि अपन बात करें चतुष
फलकी हो जाती है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, इस प्रकार से ये ज्यामितीय आकृतियां होती है। यदि निश्चित ज्यामितीय आकृति होगी, जैसे मिश्री में देखेंगे तो आप देखेंगे कि षटकोणीय, उसके अंदर जो संरचना होगी वो कैसी होगी, षटकोणीय संरचना होती है, और षटकोणीय संरचना होती है तो इसका मतलब ज्यामितीय आकृति निश्चित है, वो क्रिस्टलीय है। लेकिन गुड़ की डली की आप देखोगे तो गुड़ जो है उसकी कोई भी निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं है, जैसे आप देखोगे उसी साइड में अलग टाइप का आपको मिलेगा, इसका मतलब वो कौन सा टोस है बेटा, एक क्रिस्टलीय टोस। समझ में आ गया क्रिस्टलीय और एक क्रिस्टलीय। यदि अपन बात करें क्रिस्टलीय टोस की परिभाषा की तो अपन दोनों की परिभाषा लिखेंगे, ठीक है, कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, एक क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे बेटा क्रिस्टलीय ठोस की। यदि मैं क्रिस्टलीय ठोस की बात करूं कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, तो अपन बात कर सकते हैं वह ठोस जिसमें अवयवी कण एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित होकर निश्चित ज्यामितीय आकृति का निर्माण करता है। क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। यदि अपन बात करें उदाहरण की, क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण क्या होंगे सर, यदि अपन बात करें जितने भी आयनिक यौगिक, आयनिक ठोस, वो किसका उदाहरण है बेटा, क्रिस्टलीय ठोस का। यदि अपन बात करें धात्विक ठोस, यदि धातु की बात करें तो जितनी भी धातु हैं वो सारे की सारी कौन सी ठोस होगी, क्रिस्टलीय ठोस। ध्यान से देखें बेटा ये उदाहरण आपके काम आएंगे। जैसे आयनिक ठोस कहीं भी NaCl लिखा मिल गया तो कौन सा ठोस है, ये अपने को देखते ही पता चल जाएगा कौन सा ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है। यदि अपन बात करें कोई भी धातु, जैसे आपको सोडियम दे दिया, पोटेशियम दे दिया, मैग्नीशियम दे दिया, एल्यूमिनियम दे दिया, आयरन दे दिया, तांबा दे दिया, चांदी दे दी, ये सारे के सारे कौन से ठोस होंगे बेटा, क्रिस्टलीय ठोस। एक इंपॉर्टेंट उदाहरण आता है जो कंफ्यूज करता है, क्वार्ट्ज। अब बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता कि ये क्वार्ट्ज होता है क्या, देखा सभी ने, मैं आपको उदाहरण बताता हूं कि क्वार्ट्ज क्या होता है। क्वार्ट्ज होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। यदि अपन बात करें क्वार्ट्ज की तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बना होता है, सिलिका से बना हुआ होता है, और यह अपने पाया जाता है जमीन में। जमीन के ऊपर जो ये परत बनी है उसका जो अपन बात करें मिट्टी का एक छोटा सा कण होता है, ठीक है, बजरी जो आप सभी जानते हैं उनके कण जो होते हैं वो क्वार्ट्ज होते हैं। उन क्वार्ट्ज की यदि अपन बात करें तो ज्यामितीय आकृति कैसी होती है, निश्चित होती है। यदि ज्यामितीय आकृति निश्चित है तो यदि अपन बात करें कि ज्यामितीय आकृति निश्चित गोलाकार होता है बिल्कुल, ठीक है, तो उसका मतलब वो कौन सा ठोस है बेटा, क्रिस्टलीय ठोस। इसको इंपोर्टेंट लगाएं, ठीक है, क्वार्ट्ज। अभी अपन इसके बारे में और चर्चा करेंगे कि ये क्वार्ट्ज जो होता है इसको इंपोर्टेंट क्यों लगाया गया है। तो क्वार्ट्ज है वो किसका उदाहरण है बेटा, क्रिस्टलीय ठोस का। यदि अपन बात करें एक क्रिस्टलीय ठोस की तो दूसरा अपने पास आता है एक क्रिस्टलीय ठोस जिसको अपन क्या नाम देते हैं, अमरफस सॉलिड। यदि अपन बात करें एक क्रिस्टलीय ठोस की तो इसमें अंतर क्या होगा, उसमें अवयवीकरण एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित नहीं होंगे और जिससे उसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होगी उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, एक क्रिस्टलीय ठोस। लिखते हैं वह ठोस जिसमें अवयवीकरण एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित नहीं होते हैं जिससे उसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होती है, एक क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। यदि उदाहरण की बात करें
रबर हो गया, प्लास्टिक हो गई। यदि अपन बात करें लकड़ी हो गई, यदि इनके उदाहरण की बात करें तो ये सारे के सारे कैसे होंगे बेटा, एक क्रिस्टलीय ठोस। जैसे अपन लकड़ी की बात करें, बहुत सारे बहुलक भी हैं, जैसे पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ठीक है, ये बहुलक वगैरह जो भी पॉलिस्टर वगैरह, ये सारे के सारे कैसे है बेटा, एक क्रिस्टलीय ठोस। यदि अपन एक क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस की वापिस से चर्चा करें तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है बेटा, वह ठोस जिसमें अवयवी कण एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित होकर निश्चित ज्यामिति आकृति का निर्माण करता है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। उदाहरण कौन सा हो गया, आयनिक ठोस हो गया, धातु हो गया, क्वार्ट्ज हो गया। एक क्रिस्टलीय ठोस वह ठोस जिसमें अवयवी कण एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित नहीं होते हैं, जिससे उसकी ज्यामिति आकृति निश्चित नहीं होती है, एक क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। सर क्वार्ट्ज को इंपोर्टेंट क्यों लगाया, फिर वही क्वेश्चन, क्योंकि बेटा एक और होता है जिसको अपन क्वार्ट्ज कांच बोलते हैं, केवल कांच भी मिल सकता है या क्वार्ट्ज कांच मिल सकता है। क्वार्ट्ज कांच, कांच कैसे बनता है यदि अपन बात करें कांच के निर्माण की, तो कांच में जो सिलिका होता है उसको उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। यदि उसको उच्च ताप पर गर्म करेंगे तो वो किस में बदल जाएगा, द्रव में। उस ताप पे गर्म करके उसको अपन तुरंत ठंडा करेंगे, यदि तुरंत ठंडा करेंगे तो वो किस में बदल जाएगा बेटा, क्वार्ट्ज कांच में। यदि अपन क्वार्ट्ज को उच्च ताप पर गर्म करके उसको तुरंत ठंडा करते हैं तो उनके अवयवी कणों का जो पैटर्न निश्चित था वो कैसा हो जाएगा, अनिश्चित। कैसे होगा, अब अपन जैसे मान लो आपको क्लास से बाहर निकाला और तुरंत अंदर बिठा दिया तो क्या आप व्यवस्थित ढंग से बैठ पाओगे, क्या नहीं बैठोगे, तो उसका पैटर्न क्या हो जाएगा, निश्चित नहीं रहेगा, और निश्चित नहीं रहेगा तो उसकी ज्यामिति आकृति क्या हो जाएगी बेटा, अनिश्चित या निश्चित नहीं होगी। इसलिए क्वार्ट्ज कांच जो है वो किसका उदाहरण है बेटा, एक इसलिए ठोस का। क्वार्ट्ज की बात करें तो क्वार्ट्ज जो है वो किसका है, क्रिस्टलीय ठोस का, और क्वार्ट्ज कांच, क्वार्ट्ज कांच ये जितने भी आपके खिड़की वगैरह में जहां पे भी ये ग्लास लगा हुआ है वो कांच कौन सा होता है, क्वार्ट्ज कांच होता है। तो इस चीज को आप ही समझें, यदि क्वार्ट्ज की बात करें तो क्वार्ट्ज वो क्रिस्टलीय ठोस है क्योंकि इनकी ज्यामिति आकृति निश्चित है, और क्वार्ट्ज कांच की बात करें तो वो कैसा है बेटा, एक क्रिस्टलीय ठोस है, उसमें अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं होती है, और अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं होती है तो उसको अपन बोलते हैं कि वो कौन सा ठोस है, एक क्रिस्टलीय ठोस। समझ में आया क्रिस्टलीय और एक क्रिस्टलीय, अभी इनके अपन अंतर बात करेंगे, ठीक है। पहले इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी, ताकि आप नोट्स बना सकें। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो अब अपन इन पे अंतर से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। नोट लगा के कुछ पॉइंट लिखेंगे, उन नोट पॉइंट में अपन इनके बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्या है, कैसे हो सकता है, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चंस भी लिखेंगे, उनका आंसर भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यदि अपन बात करें तो एक नोट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, पहला पॉइंट लिख रहे हैं अपन, क्रिस्टलीय ठोस को एक क्रिस्टलीय ठोस में परिवर्तित किया जाता या जा सकता है, क्रिस्टलीय ठोस को एक क्रिस्टलीय ठोस में परिवर्तित किया जा सकता है। कैसे करेंगे, अभी अपन ने बात की थी कि क्वार्ट्ज को किस में बदला था, क्वार्ट्ज ग्लास में, क्वार्ट्ज कांच के अंदर, ठीक है। कैसे बात की थी कि क्वार्ट्ज को उच्च ताप पर गर्म करें, किस पे करें बेटा, उच्च ताप पर गर्म करें, और उसको तुरंत, तुरंत मतलब जैसे गर्म हो गया उसको, गर्म को अपन क्या कर दिया, किसी भी ठंडे जगह लगा के, जैसे मान लो फ्रिज में रख दिया, फ्रीजर में रख दिया, तो वो तुरंत ठंडा हो जाएगा, और वो क्वार्ट्ज है वो किस में बदल जाएगा, क्वार्ट्ज कांच में। क्वार्ट्ज जो है वो क्रिस्टलीय है, और क्वार्ट्ज कांच जो है वो कैसा है बेटा, एक क्रिस्टलीय। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, क्रिस्टलीय ठोसों को एक क्रिस्टलीय ठोसों में परिवर्तित किया जा सकता है,
कैसे करेंगे बेटा, यदि किसलिए ठोस को उच्च ताप पर गर्म करके उसे तुरंत ठंडा करते हैं तो यह एक क्रिस्टलीय ठोस में परिवर्तित हो जाता है। क्या पॉइंट है बेटा, वापिस ध्यान से सुने, क्रिस्टलीय ठोस को एक क्रिस्टलीय ठोस में परिवर्तित किया जा सकता है। कैसे करेंगे, यदि क्रिस्टलीय ठोस को उच्च ताप पर गर्म करके उसे तुरंत ठंडा करते हैं तो यह किस में बदल जाता है बेटा, एक क्रिस्टलीय ठोस में। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या आप क्रिस्टलीय ठोस को एक क्रिस्टलीय ठोस में परिवर्तित कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करोगे, उसका आंसर भी है अपने पास। क्या करेंगे बेटा, उसको उच्च ताप पर गर्म करेंगे, फिर क्या करेंगे, उसको तुरंत क्या कर देंगे, ठंडा कर देंगे, तो वो किस में बदल जाएगा, एक क्रिस्टलीय ठोस में। चलो दूसरा बिंदु नोट में लिखते हैं, एक क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय को एक क्रिस्टलीय में बदल सकते हैं, तो एक क्रिस्टलीय को भी किस में बदल सकते हैं, क्रिस्टलीय में। एक क्रिस्टलीय ठोसों को क्रिस्टलीय ठोसों में परिवर्तित किया जा सकता है। कैसे करेंगे बेटा, यदि एक क्रिस्टलीय ठोसों को धीरे धीरे गर्म करके उसे धीरे धीरे ही वापस ठंडा करना है, धीरे धीरे ठंडा करते हैं तो यह क्रिस्टलीय ठोसों में परिवर्तित हो जाता है। कैसे करेंगे बेटा, उसको धीरे धीरे ठंडा करेंगे, जैसे क्वार्ज को क्वार्ज कांच में बदला है, क्वार्ज को क्वार्ज कांच में कैसे बदला, तेजी से उस ताप पर गर्म किया और धीरे धीरे ठंडा किया, मतलब क्रिस्टलीय है वो किस में बदल गया, एक क्रिस्टलीय में। अब क्वार्ज कांच को किस में बदलना है, वापिस से क्वार्ज के अंदर। कैसे बदलोगे, उसको पहले धीरे धीरे गर्म करे, धीरे धीरे गर्म करोगे तो वो क्या हो जाएगा, द्रव में चला जाएगा, द्रव में चला जाएगा तो उसके सारे के सारे कण अव्यवस्थित हो जाएंगे, पहले ये व्यवस्थित है और ज्यादा ये व्यवस्थित हो जाएंगे। अब उसको क्या करेंगे बेटा, धीरे धीरे ठंडा करेंगे, धीरे धीरे ठंडा करने से क्या होगा, उसके अवयवी कण एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित होते चलेंगे। ये अपन जो है केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल पहले करवाया जाता था सीबीएसई के अंदर, उसमें भी किया जाता था, अपन जो है फिटकरी के क्रिस्टल बनाने होते थे, ठीक है, फिटकरी का क्रिस्टल कैसे बनाएंगे, बहुत ही सुंदर क्रिस्टल होता है फिटकरी का, आप घर पे भी ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि फिटकरी जो है वो एक क्रिस्टलीय है, ठीक है, उसको अपन क्रिस्टलीय में बदल सकते हैं। कैसे करेंगे, उसका चूर्ण बना लो, चूर्ण बना के उसका संतृप्त अति संतृप्त विलयन बनाओ, अभी अपन अगले चैप्टर में बात करेंगे संतृप्त क्या होता है, असंतृप्त क्या होता है, अति संतृप्त विलयन क्या होता है। अति संतृप्त का मतलब उसको गर्म करते चलो धीरे धीरे, जैसे अपन चाशनी बनाते हैं ब्याह शादी में, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, पानी के अंदर चीनी मिलाते हैं, हिलाते रहते हैं, हिलाते रहते हैं, एक लिमिट आ जाती है कि उसके बाद तापमान बढ़ाने पर भी उसमें कोई भी पदार्थ गोला नहीं जा सकता। तो ऐसे करें, उस पाउडर को क्या करें आप, उसके अंदर गोले पानी के अंदर धीरे धीरे उसको गर्म करते चले, उसको हिलाते चले और उसमें घोलते चले, उसके बाद कुछ समय में जब वो अति संतृप्त विलयन बन जाएगा तो उसको आप उठा के साइड में रख दें रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे क्यों रखा, क्योंकि अपने को धीरे धीरे ठंडा करना है। यदि अपन बात करें कि उसको तेजी से ठंडा करना होता तो अपन जो है उसके अंदर तेजी से ठंडा करना होता तो अपन उसको फ्रिज में रख देते, लेकिन उसको धीरे धीरे करना है, 24 घंटे के लिए आप उसको धीरे धीरे ठंडा होने दो, आप जाके देखोगे तो वहां पर आपको क्या प्राप्त होंगे, क्रिस्टल प्राप्त होंगे। इसका मतलब एक क्रिस्टलीय को किस में बदल दिया, क्रिस्टलीय के अंदर।
क्वार्ट्ज को क्वार्ट्ज कांच में बदला जा सकता है, मतलब क्रिस्टल को एक क्रिस्टलीय में बदल रहे हैं, और क्वार्ट्ज कांच को किस में बदल रहे हैं, क्वार्ट्ज में, तो इसका मतलब एक क्रिस्टलीय को किस में बदल रहे हैं, क्रिस्टलीय में। समझ में आया बेटा, बहुत ही सिंपल पॉइंट है, दोनों को ध्यान में रखें, इंपोर्टेंट है, नोट पॉइंट है, नोट 50, 60, 100, 1000, 2000 का, ये इंपोर्टेंट है, इसलिए किस कितने का नोट है बेटा, 2000 का। अपन 5 रुपए के नोट से लेकर 500, 1000, 2000 सब नोटों की बात करेंगे, इंपोर्टेंट नोट से, इसलिए कितने हजार कितने का नोट है, 2000 वाला इंपोर्टेंट है। तो इस चीज को आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें, दोनों इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो अगली क्लास के अंदर अपन जो है इनमें अंतर देखेंगे, किस्तलिए और एक किस्तलिए में। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखें, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी, ऐसा नहीं है कि वीडियो को शुरू किया ठीक है और उसको वहीं देख के छोड़ दिया, बोले नहीं सेट होगा, तो आप आराम से पढ़ें। मेरा फिर वही आपका है कि आप नोट्स भी बना सकते हैं, सब कुछ जैसे क्लास में चल रहा है वैसा का वैसा ही चल रहा है। ठीक है, आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं लाइव क्लास में, आप कमेंट करें, क्वेश्चन भी हो जाएंगे। ठीक है, आप नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, जैसे भी टाइम है आप ले सकते हैं आराम से स्क्रीनशॉट, तो स्क्रीनशॉट लेके इसके आप नोट्स बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपके प्रॉपर नोट्स भी हो जाएंगे, आपके समझ में आ जाएगा, कोई डाउट आए तो वो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।